अपनी आवाज से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने अपनी मधुर आवाज से देश विदेश में खूब नाम कमाया है। अपने लंबे सिंगिंग करियर में लता दीदी ने हिंदी और उर्दू सहित लगभग 35 भाषाओं में गाने गाए हैं। इतना ही नहीं, उन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े अवार्ड दादा साहब फाल्के से भी सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन क्या आपको पता है कि जब लता मंगेशकर 32 साल की थी तब उन्हें स्लो पॉइजन दिया गया था। ये बात है साल 1962 की, जब फिल्म 20 साल बाद के लिए लता मंगेशकर को एक गाना रिकॉर्ड करना था। उस वक्त लता मंगेशकर का करियर पीक पर था। फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर हेमंत कुमार ने लता को रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया था, लेकिन रिकॉर्डिंग से कुछ घंटे पहले ही लता मंगेशकर की तबीयत काफी खराब हो गई थी। जब डॉक्टर ने उन्हें चेक किया तब इस बात का खुलासा हुआ कि लता के खाने में स्लो पॉइजन मिलाया जा रहा है। इस बात का जिक्र लता मंगेशकर की बेहद करीबी पद्मा सचदेव ने अपनी किताब ऐसा कहां से लाओ में किया है। कहा जाने लगा कि लता दीदी फिर से कभी गा नहीं पाएंगी। इस खबर ने सबके होश उड़ा दिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके बावर्ची ने उनके खाने में स्लो पॉइजन मिला दिया था। इस दौरान उनकी बहन उषा मंगेशकर ने ही उनके लिए अपने हाथों से खाना बनाया। करीब 3 महीने तक लता मंगेशकर बीमार रही। खबरें थी कि उस वक्त राइटर मजरूह सुल्तानपुरी रोज लता से मिलने उनके घर जाते थे। उन्होंने उस वक्त लता मंगेशकर का खूब साथ दिया और उन्हें हिम्मत दी। बाद में लता ने उस बावर्ची को बिना सैलरी दिए घर से निकाल दिया। हालांकि लता मंगेशकर को जान से मारने की किसने कोशिश की थी, इस बात का खुलासा नहीं हो पाया। लता मंगेशकर को साल 2001 में भारत रत्न से नवाजा जा चुका है। इसके अलावा उन्हें पद्म भूषण, दादा साहब फाल्के अवार्ड और पद्म विभूषण जैसे सम्मान मिल चुके हैं।